लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कोहरा, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। लॉकडाउन 4 की ओर बड़े कदम, पीएम सीएम की बैठक में शर्तों के साथ छूट पर चर्चा। राशन कार्ड पर सरकार ने बदले नियम, 80 करोड़ लोगों के काम की बात। होम लोन की ईएमआई के ब्याज दर पर 100% तक की छूट का ऐलान। अब टमाटर में भी वायरस, 1 साल के लिए बंद करना पड़ सकता है उत्पादन। योगी सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 225.39 करोड़। पीएम मोदी का आज रात संबोधन, देश में बढ़ेगा लॉकडाउन। एयरटेल ब्रॉडबैंड का 299 वाला एड ऑन पैक डेटा खत्म होने पर देगा अनलिमिटेड डेटा। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी का अनुमान, हरियाणा पंजाब यूपी में आज हो सकती है बारिश। तो चलिए जानते हैं अब इन खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 70,827 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,294 है और वहीं 22,549 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तब तक आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। लॉकडाउन 3 के बाद भी देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज रात के संबोधन में देश में फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये संबोधन आज हमारे चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारी हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब इस काम की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप राशन कार्ड और आधार की लिंकिंग 30 सितंबर तक करवा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले गोवा के सीएम ने पीएम मोदी से बैठक के बाद साफ बता दिया कि 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 होगा। यानी साफ है कि लॉकडाउन 4 में आपको किन नियमों का पालन करना होगा, ये आपके राज्य की राज्य सरकार तय करेगी। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर देश में लॉकडाउन बढ़ सकता है। राज्य सरकारें लगातार खजाना खाली होने की बात पर केंद्र से राहत पैकेज की डिमांड भी कर रही है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि लॉकडाउन 4 में ज्यादा छूट दी जा सकती है, क्योंकि सोमवार की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि जान के साथ जहान का भी सोचना जरूरी होगा। मकान खरीदकर किश्तें नहीं चुकाने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष ऑफर लॉन्च किया है। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुपालन में मंडल के सभी श्रेणी के आवासों की किश्तों की बकाया ब्याज राशि पर 50 से 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी। कोरोना वायरस के साथ साथ अब टमाटर की फसल में भी वायरस घुसने से परेशान है किसान। टमाटर की सारी फसल बर्बाद हो रही है, हजारों एकड़ की खेती खराब हो रही है। किसान इसे तिरंगा वायरस बोल रहे हैं। कोई भी सब्जी अधिकतर बिना टमाटर की अधूरी होती है और ऐसे में खराब हो रही फसल किसानों के लिए परेशानी है। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन के मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के करीब आ गए। सूत्र के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर ये तनातनी पिछले हफ्ते लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में हुई। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मंगलवार को स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। ऐसे में स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के द्वारा सफर करने वालों को सबसे बड़ी परीक्षा रेलवे स्टेशन पर होगी। यात्री जिस स्टेशन से सफर शुरू करेंगे वहां पर उनकी स्क्रीनिंग होगी। उन्हें अपने अपने राज्यों में मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ऐसे में उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भी रहना पड़ सकता है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों की बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मनरेगा श्रमिकों को खाते में 225.39 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए। कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए राशि दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने बताया है कि सरकार ने 11 मई 2020 को दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195 करोड़ रुपए जारी किए गए। तबलीगी जमात के चीफ मोहम्मद साद का केस NIA को ट्रांसफर करने से सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। बता दें कि मोहम्मद साद के मामले की जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के पास है। पाकिस्तान में कोरोना से संक्रमण और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इमरान के लॉकडाउन खोलने के फैसले के बाद कोरोना संक्रमण बेहद खतरनाक हो जाएगा। पाकिस्तान में पहले से बर्बाद इकोनॉमी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भारत में आतंकी हमलों के बाद इमरान खान को भारत के बड़े हमले का डर सता रहा है।
लॉकडाउन 3 की ब्याज 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल था कि क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में जो संकेत आ रहे हैं वो देश में लॉकडाउन 4 की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये पहले से ही काफी अलग होगा और राज्यों के पास काफी ताकत होगी। 299 रुपए वाले इस पैक में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। किसी भी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर प्लान के यूजर फायदा उठा सकते हैं। एक महीने में एयरटेल के एड ऑन पैक की कास्ट 299 रुपए होगी और इससे आपको हाई स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा तक एक्सेस मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी की जन्मस्थली बनकर उभरे चीनी शहर वुहान में अभी सभी नागरिकों की जांच की जाएगी। हाल ही में वुहान में एक आवासीय परिसर में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। चीनी सरकार अब यहां पर नागरिकों के संक्रमण की जांच करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान गादक के संगठन हिजबुल मुजाहिदीन भारत को कंफ्यूज करने की रणनीति अपना रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इशारा कर रही है कि हिजबुल ने जिस गाजी हैदर को इंडिया के लिए नया कमांडर चुना है वो असल में भटकाने के लिए किया है। एजेंसियों का अंदेशा है कि अनंतनाग के कोकरनाग का रहने वाला 55 वर्षीय अशरफ मौलवी हिजबुल का नया कमांडर है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के कहर से जूझ रही है। कोरोना से बचने के लिए सभी बड़े देश वैक्सीन बनाने में लगे हैं। इस बीच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका मानना है कि चीन के हैकर कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने से संबंधी शोध को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी चलने और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में आज मौसम बदलने की संभावना है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। इसका प्रभाव पर्वतीय इलाकों जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मैदानी इलाकों में पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। भारतीय रेलवे ने मंगलवार से शुरू हो रही विशेष यात्री ट्रेनों में यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप को फोन में डाउनलोड करना अनिवार्य किया। इससे पहले सोमवार को रेलवे ने इस ऐप को फोन में रखने की सलाह दी जो कि अनिवार्य नहीं थी। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब अनिवार्य है। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।